हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाएंगे सभी के फेवरेट तिल के लड्डू। तो उसके लिए हमें चाहिए 1 बाउल मावा, 1 बाउल वाइट तिल, 1 बाउल बूरा या पिसी चीनी, इलायची पाउडर, पिस्ता कटे हुए। सबसे पहले हम एक पैन गरम होने रख देंगे गैस पर। उस पर हम तिल डाल देंगे। हमें तिलों को भूनना है मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए। इनको ज़्यादा डार्क नहीं भूनना है। तिल भुन जाएंगे, इसकी पहचान है कि ये थोड़ा फूल जाएंगे। कंटिन्यूसली हमें इसको चलाते हुए भूनना है, नहीं तो नीचे से तिल लगने लगेगा, जलने लगेगा। देखिए तिल भुन चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब सेम पैन में हम मावा लेंगे और मावे को हमें भूनना है हल्का ब्राउन होने तक। इसको भी 5 से 6 मिनट के लिए हमें भूनना है मीडियम फ्लेम पर। इसका ज़्यादा डार्क कलर नहीं चाहिए। बेसिकली हमें मावे का कच्चापन निकाल लेना है ताकि आप लड्डू को स्टोर करके भी रखें तो वो जल्दी से ख़राब ना हो। इसको मैश कर लेंगे स्पैचुला से और इसको मैश करते हुए हमें भूनना है। मावा देखिए भुन चुका है। अब हम मावे को भी ठंडा होने के लिए रख देंगे। मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है, जो पैन गरम है उसी को मैं मिक्स कर रही हूँ, नहीं तो वो नीचे से लग जाएगा। इसको नेचुरल टेम्परेचर पे ही हमें ठंडा होने रख देना है। जब तक हमारा मावा ठंडा होता है हम अपने तिलों को क्रश कर लेंगे, मिक्सर में चला लेंगे। उसका एक पाउडर बना लेना है। मावा ठंडा हो चुका है और यहाँ हमने तिलों को पीस लिया है मिक्सी में। अब हम इसको लड्डू की प्रिपरेशन करते हैं। अब धीरे धीरे करके मैं सारे तिल, पिसे हुए तिल मावे में डाल दूँगी। और फिर स्पून की हेल्प से हमें इसे मिक्स करना है। आप चाहें तो हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत इजीली बन जाते हैं और बहुत टेस्टी और हेल्दी होते हैं। विंटर्स में सभी को पसंद होते हैं तिल के लड्डू खाना। यूपी में इनको तिल बुग्गा भी बोला जाता है। देखिए ये मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें इस बूरे को डाल दूंगी। इसी में मैं इलायची पाउडर, और पिस्ता को डालूंगी। आप चाहें तो अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। और थोड़े से पिस्ता को मैंने रोक लिया है गार्निशिंग के लिए। और हमें इसको अब मिक्स कर लेना है।
याद रखें, ध्यान दें कि मावा बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। अगर मावा ठंडा नहीं होगा और आप गरम मावा में चीनी डाल देंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, बहने लगेगा, उसके लड्डू नहीं बनेंगे सही। तो मावा इस तरह से दिखना चाहिए। हमारा ये सारा मिक्सचर है। अब हम इसके थोड़े थोड़े लेके छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे, इसको प्रेस करते हुए। इसी तरीके से हम सारे लड्डुओं को बना लेंगे। ये इजीली बन रहे हैं। आप इन लड्डुओं को एक एयर टाइट कंटेनर में 10 से 12 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, ये बहुत यमी है और हेल्दी भी है। मेरे सारे लड्डू बन चुके हैं, अब हम इन लड्डुओं को गार्निश करेंगे। ये बचे हुए पिस्ता हैं जो मैं इनके ऊपर लगा रही हूँ और इनको गार्निश कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी तिल के लड्डू की रेसिपी। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।